नमस्कार, भूकल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, आज मैं प्लस वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास द रॉकेट। अब देखिए, रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आप अच्छे तरह से जानते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा जो रॉकेट है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। बिल्कुल ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस टॉपिक के हर एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रॉकेट जो है हमारा वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। मैं यहां पे एक रॉकेट कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारा एक रॉकेट है, ठीक है, और ये रॉकेट मैंने ले लिया एट t = 0 पे। इसका जो मास है वो है m नॉट और इसकी जो वेलोसिटी हमने कंसीडर की है वो है v नॉट एट t = 0। एट t = t टाइम पे हमारा रॉकेट जो है लेट्स सपोज उसका जो मास है m इज इक्वल टू रह जाता है m और v जो है वो v हो जाती है। और मैं बात करूं यहां पे टाइम एट t = t + dt टाइम के ऊपर, ठीक है, t + dt टाइम के ऊपर हमारा जो रॉकेट है उस रॉकेट की जो जनरल मास है वो क्या हो जाएगी m - dm, क्योंकि कुछ मास जो है यहां t से dt टाइम तक जाने में उसने कुछ मास लॉस किया होगा, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई होगी v से v + dv, ठीक है, v से v + dv। अब रॉकेट जो है किस तरीके से काम करता है वो आपको पता है। यहां पे हम वैसे मैथमेटिक्स उसका डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं रॉकेट में क्या होता है कि जो फ्यूल डाल रखा है मैक्सिमम मास उसी का ही होता है। वो फ्यूल जितना भी जलता है एग्जॉस्ट गैसेस निकालेगा, ठीक है, वो एक्शन नीचे की तरफ करती है और रिएक्शन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता है। जैसे आपने क्रैकर्स वगैरह जलाए हैं दीपावली पे, ठीक है, बलून्स में एयर ब्लो कर दी आपने और उसको जैसे रिलीज करते हैं एयर अपोजिट डायरेक्शन में और वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी तरीके से रॉकेट भी मूव करता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने t = 0 पे मास लिया एम नॉट और वेलोसिटी लिया है वी नॉट। एट t = t टाइम मास ऑफ द रॉकेट बिकम्स एम नॉट से घटके उसका मास जो है एम हो गया और उसकी वेलोसिटी जो है वी होगी। और एम से मैंने थोड़ा सा मतलब टी टाइम से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करके t + dt टाइम ले लिया मैंने, तो उसका मास जो है कुछ डीएम अमाउंट में रिड्यूस हुआ होगा और जो वेलोसिटी है v + dv हो गई होगी। चलो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज आपको यहां से पता चल गई। तो यहां पे मैं अप्लाई करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रहे मैं यहां पे ये सब चीज नहीं लिख रखा हूं कि एम नॉट क्या है वी नॉट क्या है, ये सब आपको पता है। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अगर अप्लाई करें यहां पे इसका जो मोमेंटम है वो कितना है m × v और उधर dt टाइम के बाद में कितना हो जाएगा उसका मास है m - dm × यहां पे जो वेलोसिटी है वो v + dv हो जाएगी, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो dm मास है ये कहां चला गया, dt टाइम के अंदर जो मास रिड्यूस हुआ dm ये एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में, यहां एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में निकल गया, ठीक है, जिसको हमने कह दिया कि उसका मास है dm, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने कह दिया vg, गैस की जो वेलोसिटी है वो है, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो मोमेंटम है किसका एग्जॉस्ट गैसेस का वो मैंने यहां लिख लिया + dm vg, ये मोमेंटम हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा बन जाएगा एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी माइनस वी इंटू डी एम माइनस माइनस डी एम डी वी। ठीक है, ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो आपको माइनस लेना चाहो तो माइनस ले सकते हो इसको, माइनस डी एम वी जी। वी जी अगेन मैं बता दूं, वी जी क्या है, यहां पे वी जी है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस। अब क्लियरली एम वी से एम जी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास जो टर्म बच रही है वो क्या बच गई है, इधर जीरो एम डी वी माइनस वी डी एम, ये टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ये टर्म क्यों नेग्लेक्ट की, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये टर्म हमने इसलिए नेग्लेक्ट की क्योंकि डीएम मास बहुत ही कम है और उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा वो भी बहुत कम है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है नेग्लिजिबल होगा, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, ठीक है, इट इज नेग्लेक्टेड एज इट्स वैल्यू इज नेग्लिजिबल स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल है इसकी वैल्यू, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, टर्म हमारे पास ये जो बच गई है। अब इसको भी मैं कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, ये टर्म दोनों उठा के उधर लेके चले गए, तो वी डी एम प्लस डी एम वी जी। अब दोनों में से डीएम कॉमन आ रहा है, एम डी वी और वी प्लस वी जी, वी प्लस वी जी इंटू डी एम। देखिए वी यहां पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पे, और वी जी क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है। ठीक है, ये प्लस है यानी यहां रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एम डी वी, एम डी वी इज इक्वल्स टू यू माइनस, ठीक है, इंटू डी एम। ये माइनस मैंने यू क्या लिखा है इसको मैं बता देता हूं, यहां पे जो हमारी है वी प्लस वी जी इज इक्वल्स टू माइनस यू लिया है मैंने, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है ये माइनस यू। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी लास्ट इक्वेशन आई है, इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस यू डीएम डिवाइडेड बाय एम, डीएम डिवाइडेड बाय एम। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, दोनों तरफ हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस यू, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इंटीग्रेशन डी एम डिवाइडेड बाय एम। अब देखिए यहां पे मुझे लिमिट पुट करनी है, वेलोसिटी पहले कितनी थी, इनिशियली वेलोसिटी जो है वी नॉट थी और फाइनल वेलोसिटी वी बन गई, मास इनिशियली एम नॉट था, अब मास हमारे पास एम है, एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पे मास एम है, टी इक्वल्स टू जीरो पे मास था एम नॉट। डीवी का इंटीग्रेशन एज यू नो वी, लिमिट
वी नॉट टू वी इज इक्वल टू माइनस यू, और देखिए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लॉगरिथम नेचुरल लॉग बन सकता है, लॉगरिथम बेस ई एक्स, ठीक है, बुक में हो सकता है कहीं पे आपको ये एल एन एक्स लिखा हो, नेचुरल लॉग, ठीक है, उसी को लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का साइन मैंने यहां लगाया है, तो ये बन जाएगा हमारा लॉग ऑफ बेस ई एम, और जो लिमिट है वो एम नॉट से एम, एम नॉट से एम, ठीक है। ये इक्वेशन की हमें बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख देता हूं, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, इसको यहां लिख देते हैं। अब देखिए हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके की आती है, ये देखो वी माइनस वी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड माइनस ऑफ यू लॉग ऑफ बेस ई एम अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ बेस ई एम नॉट, ओके। सो वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, माइनस ऑफ यू, और एक फॉर्मूला होता है log of m minus log of n can be written as log of m by n, ठीक है, logarithm में ये formula होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log of m by m not, और minus को अगर हम अंदर लेके जाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं v is equals to v not, या फिर आप एक बार v not को इधर ही रखिए, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा u log of बेस e m नॉट डिवाइडेड बाय m, देखो माइनस अंदर लेके गए तो m नॉट पहले हो जाएगा, m बाद में हो जाएगा, तो m नॉट डिवाइडेड बाय m लिख दिया हमने, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है, और इट मे बी रिटन एज v माइनस v नॉट इज इक्वल टू, यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.303 u, ये कहां से आई है वैल्यू, अब ये log of बेस 10 m नॉट डिवाइडेड बाय m हो जाएगी टर्म, ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू आई है कहां से आई है, log of बेस e a अगर है कोई वैल्यू तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2.303, ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करके ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले एक्सपोनेंशियल चल रहा था यहां पे, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसको हम टेबल की हेल्प से जो है ये वैल्यू देख सकते हैं, और जो वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, रॉकेट की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट दैट विल बी इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू वी नॉट, देखिए प्लस हो जाएगा उधर जाके, और ट्रम है हमारे पास 2.303 यू लॉग ऑफ बेस 10 एम नॉट डिवाइडेड बाय एम, ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि रॉकेट का एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, एम नॉट इनिशियल मास है, एम विल बी द मास एट टी इज इक्वल टू टी टाइम, जो भी टाइम पे आप देखो तो वो टाइम कितना है, रॉकेट जैसे ही लॉन्च किया, लॉन्च करने के जस्ट बाद कितने टाइम के बाद में आपने मास देखा, वो मास है ये रेजिड्यूअल मास, मतलब उस टाइम पे बचा हुआ मास कौन सा है, जनरली हमें ये पता है, जनरली ये पता है कि वी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, रॉकेट का इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा, सो वी कैन बी रिटन एज 2.303 u log of base 10 m not divided by m, ये फॉर्मूला बन जाएगा रॉकेट की वेलोसिटी का एट एनी इंस्टेंट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये डेरिवेशन। तो ये जो अभी मैंने आपको करवाया है इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर, वो भी बताऊंगा किस टाइप का था क्वेश्चन, एक बार आप इसको जनरली समझ लीजिए। डियर लर्नर, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले,
हम यहाँ 9 से 12 तक के टॉपिक कवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो विद न्यूमेरिकल्स। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को प्रमोट करोगे, इसको शेयर करोगे, ठीक है, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब बर्नट आउट स्पीड मैं बताता हूं किस तरीके से निकालते हैं बर्नट आउट स्पीड। बर्नट आउट स्पीड क्या होती है, पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है हमारा, बर्नट आउट स्पीड से हमारा क्या मतलब है। बर्नट आउट स्पीड, इसको वी बी से रिप्रेजेंट कर दिया। चलो बर्नट आउट स्पीड, रॉकेट के अंदर जब सारा फ्यूल जल जाएगा, ठीक है, रॉकेट के अंदर जितना भी फ्यूल है, मैक्सिमम जो वेट है वो फ्यूल का ही है एक किस्म से ये मान लीजिए। अब जब सारा फ्यूल जल जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो रॉकेट की सिर्फ बॉडी बचेगी, जो मास है वो सिर्फ रॉकेट का मास, रॉकेट की बॉडी का मास है। उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो हम बर्नट आउट स्पीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन होल मास ऑफ द फ्यूल बर्नट आउट, जब सारा फ्यूल जो है रॉकेट का जल जाएगा, उस टाइम पे जो स्पीड होगी, तो उस टाइम पे मास जो बचेगा, सिर्फ रॉकेट का मास बचेगा एम आर। एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर के, रॉकेट के मास के इक्वल, मास ऑफ रॉकेट, सिर्फ उसमें फ्यूल नहीं है, फ्यूल का तो सारा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो बी बर्नट आउट स्पीड विल बी इक्वल्स टू 2.303 यू लॉगरिथम बेस 10 एम नॉट डिवाइड बाय बर्नट आउट स्पीड, ये वैल्यू आ जाएगी एम आर। एम आर मतलब रॉकेट का जो केज बचा है, रॉकेट का जो सिर्फ रॉकेट की बॉडी जो बची है विदाउट फ्यूल, वो मास है एम आर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी जो उसकी बर्नट आउट स्पीड कहला रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। एक फॉर्मूला सेपरेटली हमने लिखा था यहां पे, याद हो आपको, अभी एक क्रम और निकालनी है हमें, थ्रस्ट कितना प्रोड्यूस हुआ रॉकेट के अंदर, थ्रस्ट जो है कितना प्रोड्यूस होगा उसको हमें निकालना है। तो जैसे मैंने लिखा था एम इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू डीएम, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को अलग से रखना, इस इक्वेशन को ही हम यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम बात करते हैं हमारा जो रॉकेट है उसमें थ्रस्ट कितना एग्जर्ट हो रहा है। थ्रस्ट मतलब एक टाइप का फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ जर्क कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो जर्क कर रहा है वो थ्रस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हम निकालते हैं। थ्रस्ट कितना प्रोड्यूस होगा इसको हम कैसे निकालें। थ्रस्ट से मतलब जैसे हमें पता है एस एम डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू डी एम, ये इक्वेशन है। इसको मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, डिफरेंस या फिर डिवाइड बाय डी टी बोथ साइड, दोनों तरफ डी टी से हमने डिवाइड किया, तो क्या बनेगा ये एम डी वी बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस यू डीएम बाय डी टी। बट एज यू नो डीवी बाय डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, रॉकेट की एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन एम इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू डीएम बाय डी टी, और यही क्या है, फोर्स है जिसको हम थ्रस्ट कह रहे हैं।
सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास टर्म आ जाएगी एम डीवी बाई डी टी कह दीजिए, और यू में राइट इट एज यू डीएम बाई डी टी। यू क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। डीएम बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। डीएम बाई डी टी क्या है यहां पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? थ्रस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, ये थ्रस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले के बेस पे आप जैसे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन आप यहां से जा सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ यू डिवाइड बाय एम डीएम बाय डीटी, ये एक्सेलरेशन। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में रखना है तो ये वैल्यू हट जाएगी, इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u इंटू एक्सपोनेंशियल एट m नॉट डिवाइड बाय m, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कई बार ये सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं कितना होएगा। इस पे न्यूमेरिकल क्या आ सकता है? जैसे मान लिया कि किसी ने पूछ लिया भाई हमारा जो रॉकेट है जब उसका मास इनिशियल मास का 1000 times रह जाएगा, 1000 times रह जाएगा, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी रहेगी? मतलब अब उसका कितना हो गया एम नोट का 1000 times कम हो गया, तो इसके डिवाइड बाय 1000 हमने कर दिया, मतलब एम नोट हमारा ये है। तो हम वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 2.303 यू लॉग ऑफ बेस 10 एम नॉट डिवाइडेड बाय एम। एम की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? एम नॉट डिवाइड बाय 1000 चला जाएगा ऊपर, ये और ये कैंसिल। अब लॉगरिथम के अंदर कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, वो जरूर सीख लीजिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। लॉग ऑफ बेस 10, और ये क्या हो गया? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 3 आगे आ जाएगा। लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एम रेज टू द पावर एन कैन बी रिटन एज एन इंटू लॉग ऑफ एम, तो ये एन आगे आ जाएगा यानी 3 आगे आ जाएगा। वी इज इक्वल टू 3 इंटू 2.303 लॉग ऑफ बेस 10 और 10, बेस 10 और ये 10, ये वैल्यू 1 होती है हमेशा। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है लॉग ऑफ, यहां बेस में a हो और यहां पे भी a हो तो हमेशा 1 होगा, ये चीज याद रखते हैं। यहां पे b है, यहां पे b है तो 1 होगा, 10 है तो 10 है, इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1 हो गया। इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो ये टॉपिक बेसिकली अभी सेशन 2020 की अगर हम बात करें सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में, मैक्सिमम में ये टॉपिक शायद नहीं होगा, बट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक माना जा सकता है इसको, ठीक है। बहुत क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जितने भी आपके फ्रेंडशिप हैं सर्किल में, जितने भी लोग हैं उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाओगे। इस उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।